हेलो 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 शेफ अनिल, सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आज आपके लिए क्या लेके आए हैं, क्योंकि खाना हम बहुत सारा बनाते रहते हैं, पर बीच में अब गर्मियों का जैसे मौसम है और आम का भी सीज़न है, तो ड्रिंक मैंने आपको डाली है, खाना डाला है, बट आज हम आपके लाए प्योर वेजिटेरियन एक सैलेड बनाएंगे। उसके ऊपर अगर आपको, कई लोगों को क्या होता है सैलेड ही सैलेड नहीं खाया जाता, तो आप उसमें चिकन मटन जो आपको ग्रिल करके ऐड कर सकते हैं। बट मैं बनाने वाला हूँ आज, बहुत सारे फ्रूट हैं मेरे पास, देखिए ग्रीन एप्पल है, मैंगो है, कुकुम्बर है, और ये कुछ लीव्स हैं बहुत प्यारी जो ड्राई कर रखी हैं, और ये रेड येलो ट्राई कलर आपका क्या है, कैप्सिकम है। इसके अंदर वॉलनट भी जाएंगे और किनुआ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको पहले फटाफट से तैयारी करते हैं सैलेड की, तो सैलेड की हम क्या करते हैं, कटिंग रेडी करते हैं। ओके, तो तीनों रेड येलो बेल पेपर, इनको किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। तो मैं इनको क्लीन कर रखा है, वॉश कर रखा है, और आप इनको किसी भी शेप में काटना चाहे, बट मैं थोड़ा सा जो है ट्राई कलर में रेड येलो कैप्सिकम के ऊपर होता है, उसको वाइटनेस निकालेंगे। और देखें इस तरह मेरी कटिंग जो है कंप्लीट होने वाली है, तो ये हम करेंगे कंप्लीट। और सैलेड अब गर्मियों के लिए बहुत हैवी खाना पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑयल वाले खाने कम खाए जाते हैं, तो इनको डालेंगे हम बाउल के अंदर। मैं यूज कर रहा हूँ वाइट अनियन, आप अगर वाइट अनियन नहीं है अपने पास तो आप रेड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने वाइट अनियन ही डालना है, जो आपके पास अवेलेबल हो उस तरह का अनियन आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी स्लाइस यूज़ करूँगा। गया हमारा अनियन सब मिक्सिंग के लिए, चारों तरफ अपना अनार के लगाएंगे कट। और हमको आज जो फ्रूट सैलेड बनाना है, तो फ्रूट सैलेड वो वाला नहीं बनाएंगे, कौन सा वाला कि फ्रूट चाट की तरह सैलेड बनाए और खा लिया, नहीं, इस तरह अपना अनार को हम खोलेंगे पूरा। ओके, ऑरेंज, ग्रीन एप्पल, कुकुम्बर, मैंगो सबको कट कर लेंगे किसी भी शेप में। कैसा मैंगो का सीज़न है, यहाँ पर तो हमेशा मैंगो मिलता है, पर अपने इंडिया में क्या है ना, सीज़न पे अपना इंडिया का आम आता है बहुत बढ़िया, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, सैलेड्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ। आम को कट करेंगे, आप अपने हिसाब से फ्रूट को रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपको, अगर सपोजिट कोई आम पसंद नहीं है या आपको आम की जगह कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, आप पपैया डाल सकते हैं। किस तरह आम को पूरा अच्छी तरह निकालेंगे, जैसे मैंने ऑरेंज अपने कट कर लिए, और आम का कोई आपने जो कटिंग है किसी भी शेप में चलेगा, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं क्या, सैलेड, तो सैलेड आज बनेगा बहुत ज़बरदस्त और ख़तरनाक। क्या हमारा ग्रीन एप्पल कट करेंगे इस तरह, और ये हमारा आम हो गया, ऑरेंज हो गया, और ग्रीन एप्पल एक पीस मैंने छील लिया, अगर आपको छिलके डालना है तो आप पील करके डाल सकते हैं। तो ये कम से कम 3 से 4 लोगों के लिए सलाद रेडी होने वाला है। आप राउंड काटें, स्लाइस काटें, क्यूब काटें, जैसे आपका दिल करे वैसे आप कुकुम्बर को कट कर सकते हैं। गर्मियों के लिए हमारी बॉडी के लिए जो पानी चाहिए होता है, ये सब सैलेड्स, फ्रूट्स, इनसे बढ़ेगा। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, सब इसके अंदर, जैसे मैंने बताया 4 से 5 आदमी के लिए आपका अनार खूब सारे डन। तब ये क्या है, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है अपने पास, तो इसकी ड्रेसिंग आप बना के कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सलाद क्या है, फीके नहीं खाए जाते, तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा थोड़ा सा, 1/2 स्पून सॉल्ट, क्रश ब्लैक पेपर है बिल्कुल दरदरा, देखें 1/2 स्पून, और 1/2 स्पून करूँगा मैं चिल्ली फ्लैक। और इन सब के अंदर हमने जो है इसको करना है विस्क, कभी भी है ड्रेसिंग थोड़ा सा विस्क करने के बाद हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, जो है हमारे पास क्या है, ये पिच का कॉन्सेंट्रेट है, तो इसको हम इसके अंदर हल्का सा ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हमारा जो बाकी रह गया वो है लेमन, लेमन बाकी है, तो मैं इसमें 2 फुल लेमन ऐड करूँगा। ओके, 2 फुल लेमन है, इसको अच्छे से हमने विस्क करना है। ड्रेसिंग आप एक्स्ट्रा बनाएंगे तो आप स्टोरेज करके रख सकते हैं, कुछ ऐसा इशू नहीं है। और कोई भी सैलेड का आप खीरा काट लें, गाजर काट लें, उसके ऊपर हल्की सी इस तरह की ड्रेसिंग डालेंगे, तो बहुत अच्छा आपको खाने में थोड़ा सा जो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सैलेड क्या है हर किसी को बोरिंग लगते हैं, बट ड्रेसिंग उसको बनाती है एकदम मज़ेदार। देखो ड्रेसिंग आपकी रेडी, थोड़ा सा मैं कुछ ड्रॉप इसके अंदर, मेरे को थोड़ा तीखापन पसंद है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ड्रॉप जो है टपास्को ऐड करूँगा। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप, जैसे हमारे फ्रूट कट के डन हो गए, ड्रेसिंग बन के रेडी हो गई, और ये क्या है सैलेड अनियंस, ये हम इसमें ऐड करेंगे कुछ अनियंस, ऑलिव जा चुके हैं, ड्रेसिंग रेडी है, और अब हम डालेंगे हमारी
लीव्स, लीव आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको लीव्स पसंद हो आप उस तरह की लीव्स को ऐड कर सकते हैं। और अब हम अपनी फिनिशिंग जो है जो डाल रहे हैं सारी हो जाएगी हमारी ड्रेसिंग खूब सारी, और ये मैं पूरी ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर। तो एक टाइम के लिए ये रेशो हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे इसको थोड़ा सा मिक्स। क्या है, कभी भी है जो आपने मिक्स करना है सैलड, उसको करना है कैसे कि आपने खुले बर्तन के अंदर इस तरह इसको मिक्सिंग करना है। आप इसमें रेड किनुआ, वाइट किनुआ, ब्राउन किनुआ, बहुत सारे किनुआ आते हैं, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसको असेंबल करेंगे। थोड़ा सा मैं भूल गया था किनुआ बताना। और ये अपना मस्त एंड हेल्दी सा आपका सैलड रेडी है। सैलड अपना रेडी है, कलरफुल और हेल्दी। आपको जो पसंद हो इसके अंदर, कुछ भी आप वेजिटेबल को स्किप करना चाहते हैं, आप कुछ ऐड डाउन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा सैलड जो है आज की हेल्थी रेसिपी, और इसके साथ खूब सारे अनार जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और साथ में हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये है हमारे पास अखरोट, और इनको ऊपर से हम टॉप अप कर देंगे। तो हमारा सैलड रेडी है, किनुआ लीफी सैलड जो आपको मैंगो के साथ सीजन के लिए रेडी है। तो शेफ अनिल के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। वो कुछ ट्विस्ट देना है, आप चाहते हैं कि नहीं खा सकते, बहुत सारों को बोरिंग लगता है, आप इसके ऊपर चिकन को ग्रिल करें पैन में और इसके ऊपर रख के वो भी खा सकते हैं। तो ये कंप्लीट मील रेडी है। तो शेफ अनिल फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ। सी यू, थैंक यू, बाय बाय।